Okay, let's learn colligative property number 3, that is depression in freezing point. Now, first thing first, let us try and understand this phenomena, that is freezing. Now, what is freezing? It is basically solid getting, liquid getting converted into solid, right? And freezing means liquid getting converted into solid. Now the solution which we are studying here in this chapter, in order to study the colligative property, which is obviously made up of solute and solvent, and what are the physical states compulsorily? This should be solid, this should be liquid, and then obviously this is liquid. This is the first criteria, correct, which I have taught you. Now, when I say such a solution which is originally liquid, the physical state of solution is liquid, it gets solidified when you freezing ho gaya. Correct? Now, aisa solution jiske andar solvent liquid hai aur solute pehle se solid hai. To liquid to solid ho raha hai matlab iske andar ka jo solvent hai wahi sirf change in physical state mein part lega. करेक्ट ना, ये तो पहले से ही सॉलिड है, तो सॉलिड और आगे सॉलिड क्या होगा, राइट? तो जब ऐसा सॉल्यूशन जिसके अंदर सॉल्वेंट लिक्विड है और सॉल्यूट सॉलिड है, ऐसा सॉल्यूशन जब लिक्विड टू सॉलिड होता है, इसका मतलब उसके अंदर का सिर्फ सॉल्वेंट ही लिक्विड टू सॉलिड कन्वर्ट हो रहा है, क्योंकि सॉल्यूट तो पहले से ही सॉलिड है. ओके, नाउ द क्वेश्चन अराइजेस इज इन दिस सॉल्यूशन द सॉल्यूट इज सॉलिड. Now, before adding to solvent, the solute was solid. Even after getting dissolved in a liquid solvent, the solids still retains its physical property. I have explained this in thermodynamics as well. I will explain again. Solution mein yaad rakhna, jaise main example ke saath baat karta hu, sodium chloride, white color solid powder, correct? Usko water mein dissolve karte hain. Sodium chloride, common salt, kya ho gaya solute, aur water kya ho gaya solvent. अब डिजोल्व करने से पहले सोडियम क्लोराइड को वाटर में डिजोल्व करने से पहले वो सॉलिड होता है, और वाटर में डिजोल्व होने के बाद 100% दिखाई नहीं देता, टोटली होमोजेनियस ऐसा सॉल्यूशन बनता है. डिजोल्व होने के बाद भी वो सॉलिड ही है, सिर्फ दिखाई नहीं देता है. करेक्ट ना, दिखता नहीं, इसका मतलब वो लिक्विड हुआ ऐसा नहीं, क्योंकि सॉल्टी वाटर जो सॉल्यूशन फॉर्म हुआ है उसको आप अगर आप हीट करेंगे तो सिर्फ वाटर पार्ट इवेपोरेट होता है, सॉल्ट पीछे वैसा ही रहता है. इसका मतलब डिजोल्व होने के बाद भी वो सॉलिड ही था, getting it amount, तो फिर दिखाई क्यों नहीं देता है? इसका रीजन है, that is इंटरैक्शन. कौन सा इंटरैक्शन है? डाइपोल आयनिक डाइपोल इंटरैक्शन. मतलब इसमें क्या होता है, सोडियम क्लोराइड के अंदर Na+ और Cl- माइनस के आजू बाजू में वाटर के मॉलिक्यूल्स शील्ड बनाते हैं, जिसके वजह से वो Na+ और Cl- माइनस ढक जाता है ना, शील्ड की वजह से, कर्टन की वजह से. कैसे एडजस्टमेंट, कर्टन बंद कर देते हैं तो उसके पीछे का चीज ढक जाता है, वैसे वाटर एक कर्टन एक शील्ड बनाता है जिसकी वजह से पार्ट है, तब भी वो सॉलिड ही होता है. तो ये पहले से सॉलिड है, इसके लिए फ्रीजिंग में पार्ट नहीं लेगा. फ्रीजिंग मतलब लिक्विड टू सॉलिड होना, तो जो पहले से सॉलिड है वो कैसे पार्ट लेगा? सॉल्यूशन के अंदर जो सिर्फ लिक्विड पार्ट है वही सॉलिडिफाई होता है, दैट इज द पॉइंट. दो डेफिनेशन देख लेते हैं. एक है फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट, जिसका सिंबल आप लोग जानते ही हैं, फ्रीजिंग पॉइंट यानी टीएफ होता है, और प्योर है इसके लिए जीरो है, जैसे फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉलिड. अब इसका डेफिनेशन देखते हैं. इट इज द टेम्परेचर, ऑब्वियसली फ्रीजिंग पॉइंट एक टेम्परेचर है, एट विच क्या होता है, एट विच द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट इन लिक्विड फेज, सॉल्वेंट इन लिक्विड फेज बिकम्स एग्जैक्टली इक्वल टू द वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्वेंट. द माने वही सॉल्वेंट जो पहले लिक्विड था, ऑफ द सॉल्वेंट इन इट्स सॉलिड फेज. सॉल्वेंट प्योर मतलब सॉल्यूट ऐड करने से पहले है ना लिक्विड है,
उसका फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है, उसका डेफिनेशन, वो एक टेम्परेचर, कौन सा टेम्परेचर, ऐसा टेम्परेचर जिस टेम्परेचर को उस सॉल्वेंट के लिक्विड फेज में उसका जो वेपर प्रेशर होता है वो, और उसी सॉल्वेंट के सॉलिड फेज में जो वेपर प्रेशर होता है वो इक्वल हो जाता है। मतलब ये क्या हो गया, लिक्विड सॉलिड में कन्वर्ट हो गया, करेक्ट ना, है ना। मतलब मान लो ऐसा है कि किसी लिक्विड का वेपर प्रेशर यहां पे, लिक्विड के फॉर्म में ये वेपर प्रेशर, और उस यही लिक्विड जब सॉलिड में कन्वर्ट होता है सेम, तभी का वेपर प्रेशर ये होना चाहिए। अब वेपर प्रेशर कम होगा, टेम्परेचर कम होगा तो वेपर प्रेशर कम होगा कि नहीं, लिक्विड का सॉलिड हो रहा है मतलब टेम्परेचर कम हो रहा है, और हम लोग जानते हैं टेम्परेचर एंड वेपर प्रेशर आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो अगर टेम्परेचर कम हो रहा है सपोज, तो वेपर प्रेशर भी कम हो रहा है। टेम्परेचर कम हो रहा है ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि लिक्विड का सॉलिडिफिकेशन होने के लिए लिक्विड का टेम्परेचर हमें क्या करना पड़ता है, इसका टेम्परेचर कम करना पड़ता है। तो वेपर प्रेशर भी कम होते 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 कितना हो रहा है, जितना उसके सॉलिड स्टेट में होना चाहिए, मतलब ये लिक्विड क्या हो गया, सॉलिड में कन्वर्ट हो गया, करेक्ट। तो ये जो टेम्परेचर है ये फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट आएगा, क्यों, क्योंकि एट दिस टेम्परेचर द वेपर प्रेशर ऑफ द लिक्विड बिकम्स इक्वल टू द वेपर प्रेशर ऑफ द सेम लिक्विड इन इट्स सॉलिड स्टेट, ऐसा ये दो इक्वल हो जाता है, तो दैट इज द फ्रीजिंग पॉइंट। ओके, लेट्स सी द नेक्स्ट डेफिनेशन, इट इज फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। अब सॉल्यूशन ऑब्वियसली लिक्विड फेज में है, करेक्ट, इसका सिंबल होता है टीएफ। फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, व्हाट विल बी द डेफिनेशन, अगेन फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ टेम्परेचर है तो शुरुआत तो यही आएगा, इट इज द टेम्परेचर एट विच, ये ऐसा टेम्परेचर जब क्या होता है, एट विच द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इन इट्स लिक्विड फेज becomes exactly equal to the vapor pressure of the solvent inside, the कौन सा solvent, frozen solvent या solid solvent, frozen solvent inside the solution, ऐसा देखो इसके जैसा आएगा नहीं definition, ये जो किया है ना ऐसा नहीं हुआ, इट इज द रॉन्ग डेफिनेशन बता रहा हूं, कौन सा रॉन्ग हो जाएगा, सिर्फ ऐसा लिखेंगे तो इट इज द टेम्परेचर एट विच द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इन इट्स लिक्विड फेज बिकम्स इक्वल टू द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इन इट्स सॉलिड स्टेट, ऐसा नहीं होगा। क्यों ऐसा नहीं होगा, क्योंकि ये जो सॉल्यूशन है यहां पे जो मैंने कहा है ना, उसके अंदर का सॉल्यूट तो पहले से सॉलिड है, सिर्फ सॉल्वेंट लिक्विड है, तो सॉल्यूशन लिक्विड टू सॉलिड हो रहा है मतलब क्या हो रहा है, सिर्फ सॉल्वेंट लिक्विड टू सॉलिड हो रहा है, इसके लिए यहां पे स्पेसिफिकली ऐसा लिखना चाहिए कि फ्रोजन सॉल्वेंट इनसाइड द सॉल्यूशन, ये दोनों जो इक्वल हो गया ऐसा जिस टेम्परेचर को होता है उसको क्या कहते हैं, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन। ओके, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट समझने से पहले और कुछ बेसिक चीजें इसके बारे में समझना जरूरी है, जैसे एक्सपेरिमेंटली इट्स वेरी इजी टू डिटरमाइन द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अ लिक्विड, but it's not really very easy to determine the freezing point. There is a basic difficulty. In the sense, thermometer में जो mercury होता है, boiling point के experiment में, क्योंकि आप heat दे रहे हैं, तो वो ऊपर जाता है with the gravity और against the gravity. ये दो चीजें उसमें से, thermometer के अंदर का mercury ऊपर जाता है, मतलब वो against the gravity जा रहा है. करेक्ट, और जब पहला बबल आता है, व्हेन यू सी द फर्स्ट बबल कमिंग, हम बॉइलिंग पॉइंट का एक्सपेरिमेंट करते हैं ना, उसमें व्हेन द फर्स्ट बबल कम्स आउट मतलब बॉइलिंग शुरू हो गया, लिक्विड का गैस में कन्वर्ट होना शुरू हो गया, तो जैसे फिजिकल स्टेट चेंज होता है वो जब तक फिजिकल स्टेट चेंज जारी रहेगा, है ना, थर्मोडायनामिक्स क्या कहता है, टेम्परेचर प्रेशर वॉल्यूम सब कुछ एक साथ इक्विलिब्रियम में आता है, कॉन्स्टेंट हो जाता है, इसके लिए जो मर्क्यूरी ऊपर जा रहा है ना वो रुक जाता है जब तक बॉइलिंग शुरू है, हम लोग रीडिंग ले सकते हैं कि दैट इज द बॉइलिंग पॉइंट, जब फर्स्ट बबल आए, पहली बार तो फर्स्ट बबल दिखता है तब हम हीटिंग शुरू रोक देते हैं और मर्क्यूरी जो थर्मोमीटर के अंदर का मर्क्यूरी ऊपर जा रहा था वो रुक जाता है। दिस इज विद फिजिक्स एज वेल, फिजिक्स में भी आपको जानते हैं कि 90 डिग्री में कोई भी चीज आपने सीधा ऊपर डाला, जैसे क्रिकेट का बॉल है वो ऊपर जाएगा, गिरने से पहले थोड़ा रुकेगा और फिर नीचे आएगा,
तो वही चीज बॉइलिंग पॉइंट में होता है मर्क्यूरी के साथ थर्मामीटर के अंदर का, वो ऊपर जाता है थोड़ा रोकता है और फिर नीचे आएगा, तो आपको चांस मिलता है रीडिंग लेने का बॉइलिंग पॉइंट का। लेकिन फ्रीजिंग पॉइंट में इतना इजी नहीं है। सबसे पहली बात, फ्रीजिंग पॉइंट कौन सा लेंगे, लिक्विड को आप ठंडा कर रहे हैं है ना, उसका सॉलिडिफिकेशन शुरू हुआ मतलब पहला पार्टिकल सॉलिडिफाई हुआ, वो नोटिस तो हम लोग कर नहीं सकते है ना, ऐसा कोई सुपर ह्यूमन रहेगा तो ही कर सकता है, लेकिन पहला पार्टिकल सॉलिडिफाई हुआ वो तो नोटिस होता नहीं। ऊपर से दूसरी बात, जब आप ठंडा करते हैं तो मर्क्यूरी जो है वो पहले से ही नीचे गिरा है, इज गोइंग विद द ग्रेविटी, तो पहला पार्टिकल जब सॉलिडिफाई हुआ तो मर्क्यूरी आपके या मेरे लिए रुकने वाला नहीं है, बिकॉज इट इज गोइंग विद द ग्रेविटी, वो नीचे ही जाता रहेगा। तो फिर फ्रीजिंग पॉइंट मिला कैसे, पहले वो समझ लेते हैं। ओके, बेकमन करके एक साइंटिस्ट है, उसने बेकमन थर्मामीटर है ना, एक स्पेशल थर्मामीटर निकाला फ्रीजिंग पॉइंट का रीडिंग लेने के लिए। तो पहला थोड़ा सा मैं आपको दिखा देता हूँ कि फ्रीजिंग पॉइंट का एक्सपेरिमेंट कैसे होता होगा, जिसके लिए एपरेटस कुछ ऐसा है। एक बहुत बड़ा ग्लास का जार लेंगे हम लोग, इसके अंदर छोटा जार रखते हैं, ये अंदर का छोटा जो जार है ना, इसमें मान लो हमने वाटर रखा है ना, दिस इज कंटेनिंग वाटर, इसका फ्रीजिंग पॉइंट है ना, तो इसके आजू बाजू में हमने फ्रीजिंग मिक्सचर रख दिया। फ्रीजिंग मिक्सचर, वैसे मिक्सचर मतलब क्या, दीज आर है ना, लेट अस से दिस इज आइस, रॉड ऑफ आइस, आइस का ऐसा शेप हो सकता है, ऑब्वियसली हो सकता है, मैंने आइस क्यूब उसने ही कहा, आइस का तो कोई भी शेप हो सकता है, करेक्ट ना, तो ये आइस है, उसके ऊपर हमने सॉल्ट डाला, तो ये सॉल्ट क्या हो गया, फ्रीजिंग मिक्सचर। इसकी वजह से ये जो वॉटर है ना, वो लिक्विड टू सॉलिड तो होगा ही और बहुत देर तक सॉलिडिफाई रहेगा। ज्यादा देर तक जब चीजों को ठंडा रखना होता है तो सिर्फ आइस यूज नहीं करते हैं, फ्रीजिंग मिक्सचर यूज करते हैं, करेक्ट ना, उसके ऊपर सॉल्ट डालते हैं अलग अलग है ना, जैसे NaNO3 हो गया, NH4Cl हो गया है ना, ये सारे सॉल्ट हम लोग यूज करके NO3 KCl है ना, ये सारे सॉल्ट यूज कर सकते हैं, जिसकी वजह से बर्फ काफी देर तक ठंडा रहता है, तुरंत उसका जो मेल्टिंग है वो शुरू नहीं होता है। इसके लिए फ्रीजिंग मिक्सचर यूज करते हैं, उसका उल्टा होता है एंटी फ्रीज सोल्यूशन। एंटी फ्रीज सोल्यूशन लिक्विड को लिक्विड ही रखता है, वो फ्रीज नहीं होने देता है, वो कई बार व्हीकल्स कार होते हैं ना, उसके कार्बोरेटर में जो पानी होता है उसके अंदर डालते हैं, जैसे मिथाइल अल्कोहल, सबसे चीपेस्ट सबसे बेस्ट एंटी फ्रीज सोल्यूशन, मतलब मान लो आप अपनी कार लेके कश्मीर या लद्दाख के जैसे एरिया में से जा रहे हैं, बाहर का टेम्परेचर माइनस में है, और आपने अगर कार्बोरेटर के अंदर जो पानी है उसमें एंटी फ्रीज सोल्यूशन डाला है, तो बाहर इतना माइनस में टेम्परेचर है फिर भी वो पानी पानी ही रहेगा एंटी फ्रीज सोल्यूशन की वजह से, तो कार बंद नहीं पड़ेगा, तो एंटी फ्रीज सोल्यूशन। यहाँ पे हम लोग क्या लेते हैं, फ्रीजिंग मिक्सचर। अब इसके अंदर एक स्टरर हम लोग रखते हैं, छोटा स्टरर, और बाहर भी एक स्टरर रखते हैं, है ना, स्टरर का काम ऑब्वियसली स्टर करना है। इसके अलावा इसके अंदर आएगा बेकमन थर्मामीटर, है ना, ये ऐसा थोड़ा रफ डायग्राम में दिखा रहा हूं, यहाँ पे ये है और इसके ऊपर यहाँ पे मर्क्यूरी है ना, मेरा डायग्राम इतना परफेक्ट नहीं है, और जैसे ये ठंडा होने का शुरू होगा है तो मर्क्यूरी नीचे आएगा, करेक्ट ना, ऑब्वियसली ऐसा, इट इज गोइंग विद द ग्रेविटी। ये स्टरर लोग क्यों रखे, ये स्टरर है, कंटिन्यूस स्टरिंग करना है, जिसकी वजह से हीट यूनिफॉर्मली स्प्रेड होगा एंड यू विल हैव यूनिफॉर्म टेम्परेचर एवरीवेयर। इसके लिए बाहर का स्टरर है, अंदर के स्टरर का काम आगे है, जैसे अभी ये ठंडा हो रहा है ना, ठंडा हो रहा है तो हम लोग क्या करेंगे है ना, ये ठंडा होगा सपोज, तो ये लिक्विड जो है, अभी लिक्विड है पानी है ना, सॉलिडिफाई होगा, पूरा सॉलिडिफाई होने तक, मतलब यहाँ पे आया ऐसा मान लो, और यहाँ पे पहला पार्टिकल इसका सॉलिडिफाई हुआ रहेगा लेकिन अपने नोटिस में नहीं आएगा, तो फिर क्या करेंगे, इसको पूरा ठंडा होने देंगे, तो ये नीचे आ रहा है, नीचे आ रहा है, नीचे आ रहा है, करेक्ट ना, और मान लो यहाँ पे वो पूरा सॉलिडिफाई होगा, मतलब ये ऐसा बर्फ जम गया पूरा, तो जैसे बर्फ जम गया है ना, क्या हो गया, ये थर्मामीटर इसमें फंस गया, स्टरर भी फंस गया। अब आप ये स्टरर अंदर का घुमाएंगे, थोड़ी ताकत लगाएंगे, थोड़ा मसल पावर एनर्जी लगा के आप ये करेंगे तो अपनी जगह बनाएगा, थोड़ा फ्रिक्शन होगा जिसकी वजह से हीट पैदा होगा, इसका मेल्टिंग शुरू हो जाएगा, मेल्टिंग शुरू होगा वैसे ही ये ऊपर वापस जाने लगेगा, करेक्ट ना, दैट इज गोइंग अगेंस्ट द ग्रेविटी, और वहां पे एग्जैक्टली रुकेगा जहां पे पहला पार्टिकल सॉलिडिफाई हुआ था। दिस इज अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, करेक्ट ना, ऊपर से नीचे आ रहा था तभी वो क्या हो रहा था, लिक्विड टू सॉलिड हो रहा था, लिक्विड टू सॉलिड होने मतलब इसके अंदर का हीट बाहर जा रहा है कि नहीं,
जब हम स्टर करने लगे तो सॉलिड टू लिक्विड होने लगा। सॉलिड टू लिक्विड हो रहा है मतलब क्या, हमने स्टर की वजह से इसको हीट दिया तो ये जब जितना हीट इवॉल्व किया उतना ही एब्जॉर्ब करेगा। मतलब जब पहला पार्टिकल सॉलिडिफाई हुआ एग्जैक्टली तभी पूरा सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट होगा, इसके लिए इधर रुकेगा। और क्यों रुकेगा, नाउ इट इज गोइंग अगेंस्ट द ग्रेविटी सो इट विल स्टॉप फॉर सम टाइम, तभी आप रीडिंग ले सकते हैं। इस तरीके से फ्रीजिंग पॉइंट लिया जाता है, मतलब लिक्विड जितना है उसको पूरा सॉलिडिफाई होने देते हैं, फिर स्टरर से घुमा के टेम्परेचर बढ़ा के ऊपर जाते हैं, वो एग्जैक्टली उधर रुकता है जहां पहला पार्टिकल सॉलिडिफाई हुआ रहेगा। इस तरीके से फ्रीजिंग पॉइंट लिया जाता है बाय यूजिंग बेकमैन थर्मामीटर। अब हम लोग ये देख लेते हैं डिप्रेशन एंड फ्रीजिंग पॉइंट, इसका है ना सिंबल क्या होता है। द सिंबल फॉर दिस इज डेल्टा टीएफ, डिप्रेशन मीन्स डिक्रीज, डिक्रीज इज सम काइंड ऑफ चेंज, डेल्टा एंड फ्रीजिंग पॉइंट, एंड द फॉर्मूला फॉर विच इज इट इज टीएफ माइनस टीएफ, इट शुड बी टीएफ माइनस टीएफ, जीरो कम्स फर्स्ट, टीएफ माइनस टीएफ जीरो कम्स फर्स्ट। व्हाट इज टीएफ नॉट, वी हैव ऑलरेडी सीन दिस, व्हाट इज टीएफ नॉट, इट इज the freezing point of pure solvent. And what is TF? It is the freezing point of solution. Correct or not? A pure solvent means before adding solute. Before matlab this is going to be initial reading. And solution is after adding solute. So this is a final reading. And mathematically, you see the subtraction. This is subtraction. This is the answer of subtraction. And the answer of subtraction is positive. Means the first term has to be greater than the second term. So it goes without saying. This is just to remember. TF naught is greater than TF. And what is TF naught? It's the initial reading. And what is TF final reading? Initial reading, final reading say zyada hai. Hai na? Iska matlab decrease. Decrease matlab depression. तो प्योर सॉल्वेंट, सॉल्वेंट जो प्योर होता है तभी का उसका फ्रीजिंग पॉइंट ज्यादा होता है। सॉल्यूट ऐड करके सॉल्यूशन बनाते हैं और फ्रीजिंग पॉइंट लेते हैं तो वो कम हो जाता है, दैट इज डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। अब ऐसा क्यों होता है, इसके लिए कौन जिम्मेदार है, सॉल्यूट का सॉलिड होना उसके लिए जिम्मेदार है। ये सब लिंक्ड है, सॉल्यूट सॉलिड है इसके लिए वेपर प्रेशर में लोअरिंग आता है, और वेपर प्रेशर में लोअरिंग आता है इसके लिए डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट है। मैं प्रूव करूंगा ग्राफिकली। अब इसके पहले हमने एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट में ग्राफ देखा था, दैट वाज समथिंग लाइक दिस, ऐसे था कि 1 एटमॉस्फेयर का लाइन था, करेक्ट ना, सॉल्वेंट के लिए ऐसा ग्राफ था, सॉल्यूशन के लिए ऐसा ग्राफ, फिर हमने ये निकाला जस्ट टू रिमेम्बर, ऐसा है ना, मैं आपको याद दिला रहा हूं। और फ्रीजिंग पॉइंट में ना ऐसा ग्राफ आने वाला है, यहाँ पे हम लोग ओरिजिन से दूर गए थे, यहाँ पे उल्टा आने वाला, पहला टेम्परेचर हाई, फिर ऐसा कर्व आएगा सॉल्वेंट का, और ये कर्व डिसकंटिन्यू होगा, और फिर ये सॉल्यूशन का कर्व, तीन कर्व है, सॉल्वेंट प्योर सॉल्वेंट के ही दो कर्व्स है और फिर ये सॉल्यूशन का है। अब प्योर सॉल्वेंट का ये कर्व डिसकंटिन्यू क्यों हुआ है वो भी मैं आपको पहले बता देता हूं, फिर ग्राफ से ये मैं प्रूव करूंगा कि टीएफ नॉट टीएफ से बड़ा क्यों है। पहले देख लेते हैं ये कर्व आगे कंटिन्यू क्यों नहीं होता है, बीच में ऐसा टूट के नीचे सडनली क्यों गिरता है वो पहले देख लेते हैं, फिर ग्राफ से हम लोग ये प्रूव करेंगे। जैसे मैंने कहा ये जो ग्राफ है कर्व डिसकंटिन्यू क्यों होता है पहले वो सीख लेते हैं। क्लियर, वी नो दैट टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेपर प्रेशर। अब फ्रीजिंग में टेम्परेचर कम होगा वैसे वेपर प्रेशर भी कम होगा, ऐसा क्यों वो देख लेते हैं। ये हमने वाटर लिया है जो लिक्विड फेज में है और इसका अभी का टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस है, और इसका वेपर प्रेशर मान लेते हैं कुछ तो है 0.4 एटमॉस्फेयर, 1 एटमॉस्फेयर से कम है। अब इसको ठंडा कर रहा है मतलब ये कम होगा, तो आफ्टर एवरी 1 डिग्री फॉल इन टेम्परेचर ये भी कम होगा, है ना, मैं यहाँ पे कम कर रहा हूँ 0.397 whatever, रैंडमली कम कर रहा हूँ 24 डिग्री सेल्सियस, दिस इज 0.394, है ना, ये एटमॉस्फेयर में इसे कम हो रहा है, तो ये कम हो रहा है, तो ये कम क्यों हो रहा है वो देख लेते हैं। देखो यहाँ पे वाटर के मॉलिक्यूल एक इधर ऐसे दूर दूर है, करेक्ट, तो इसमें से अगर वेपर्स को जाना है तो इजीली जा सकते हैं, करेक्ट ना, बहुत सारे वेपर्स जा सकते हैं, वैसे वाटर थोड़ा लेस वोलेटाइल है लेकिन सरफेस एरिया ऑलमोस्ट अवेलेबल है, और कोई ऑब्स्टेकल ऐसा बीच में नहीं क्योंकि वॉइड स्पेस बहुत ज्यादा है,
इसके लिए बहुत सारे वेपर्स जाएंगे तो ज्यादा वेपर प्रेशर लगेगा। जैसे आप टेम्परेचर कम करने लगते हैं वैसे पार्टिकल स्क्वीज होने लगते हैं, मतलब नजदीक आने लगते हैं, ऐसे एक दूसरे के नजदीक आएंगे तो थोड़ी देर बाद ये वाटर कैसे दिखाई देगा, है ना, ये पार्टिकल्स बहुत नजदीक आ गए अभी ऐसे, तो अभी वेपर्स को जाना थोड़ा मुश्किल होगा। मतलब इसमें से जो वेपर्स निकलेंगे, यहाँ पर कैसे बहुत सारे गए, इसमें से जो वेपर्स निकलेंगे वो इसके कंपैरिजन में कम है, तो कम वेपर्स निकलेंगे तो वेपर प्रेशर भी कम लगेगा। इसके लिए टेम्परेचर कम होने की वजह से, स्क्वीजिंग इफेक्ट आने की वजह से, है ना, वेपर्स जो बाहर निकलते हैं वो कम होता है तो वेपर प्रेशर भी कम होता है। मान लो ये करते करते हम लोग 0 डिग्री सेल्सियस पे आए, वाटर है करेक्ट, अब हम लोग जानते हैं कि 0 डिग्री सेल्सियस ये वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट है, तभी पहला पार्टिकल सॉलिडिफाई हुआ रहेगा ऐसा, करेक्ट, ये सॉलिडिफाई हुआ, लेकिन ये पकड़ में आएगा क्या, नहीं, मैंने बताया बेकमन्स वाला मेथड करना पड़ेगा, तो इसको आगे और हम लोग लेके जाएंगे ऐसा -2 -3 ऐसे कुछ, और मान लो यहाँ पे -3 डिग्री सेल्सियस ये पूरा बर्फ हो गया, फिर इसको वापस हीट करेंगे वही बेकमन वाला करके ऊपर लेके आएंगे, तब समझा होगा ये वाटर यहाँ पे पहला पार्टिकल सॉलिडिफाई हुआ है, करेक्ट ना। तो ये 0 डिग्री सेल्सियस को कोई कुछ तो टेम्परेचर है ना जो कम हो रहा है, कम हो रहा है और बहुत कम होता है, यू नो इट विल बी सम प्रेशर हियर, यहाँ पे 0 पॉइंट कुछ तो है। अब इसके बाद ये आप कम कर रहे हैं वेपर प्रेशर, वेपर प्रेशर में चेंज आ रहा है 0.98, 0.068, 0.059 ऐसे ये कम हो रहा है, करेक्ट ना। तो वेपर प्रेशर में आप देख सकते हैं यहाँ पे जो चेंज आया कि नहीं, वो बहुत ही कम है, ये ऑलमोस्ट 0.4 ही है, तो ये जो डिफरेंस है वो ज्यादा नहीं है। लेकिन इसके बाद जो डिफरेंस आया वेपर प्रेशर में, हम लोग जो टेम्परेचर नीचे लाने का जारी करते हैं, पहला पार्टिकल जब सॉलिडिफाई हुआ है तभी वेपर प्रेशर में जो फॉल है वो ड्रास्टिक है। ऐसा क्यों है, सॉलिडिफिकेशन जैसे ही शुरू हो जाएगा तो वेपर्स तो ब्लॉक होने लगेंगे, और ये तो पूरा सॉलिडिफाई, तो वेपर्स बहुत कम आएंगे। इसके लिए क्या हो रहा है, जो वेपर्स बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं उसका जो सॉलिड है उसको ही रोक रहा है, उसके ही वेपर्स को रोक रहा है, तो ड्रास्टिक फॉल आएगा वेपर प्रेशर में। तो ये ड्रास्टिक फॉल ग्राफिकली कैसे दिखाई देगा, पहले छोटा छोटा फॉल, मतलब ये वेपर प्रेशर का है और ये टेम्परेचर है, करेक्ट ना, टेम्परेचर यहाँ पे तभी वेपर प्रेशर यहाँ पे। अब टेम्परेचर कम हो रहा है तो वेपर प्रेशर भी कम होगा क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शन है, ये कम हो रहा है मतलब ऐसा थोड़ा थोड़ा कम हो रहा है। यहाँ पे मान लो पहला पार्टिकल सॉलिडिफाई हुआ है, ये करेक्ट ना, कैसे समझा होगा, हम टेम्परेचर कम करते करते यहाँ पे आ गए, फिर आगे गए पूरा सॉलिडिफाई करके, है ना, वापस उल्टा है स्टरर से, तब समझा होगा कि यहाँ पहला पार्टिकल सॉलिडिफाई हुआ है और यहाँ के बाद जो वेपर प्रेशर में फॉल है वो जुप करके सीधा नीचे है, यहाँ पे थोड़ा थोड़ा ही है, इसके लिए कब आ रहा है, और अचानक से नेक्स्ट रीडिंग, मतलब सॉलिडिफिकेशन जहां शुरू हो गया वहां के आगे टेम्परेचर जब आप कमी करते हैं तो वेपर प्रेशर में जो गिरावट आती है वो बहुत ज्यादा है, ये गैप बहुत बड़ा है इससे, इसके लिए जो कर्व है वो अचानक से नीचे गिरेगा, एंड द कर्व विल बी डिसकंटिन्यूड, ये इसका रीजन है। ओके, नाउ अभी मैं इसको प्रूव करता हूं, टीएफ नॉट टीएफ से बड़ा क्यों है, मैं ग्राफ की मदद से आपको प्रूव करके दिखा रहा हूं। लेट्स इमेजिन ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, पॉजिटिव साइड ऑफ एक्स एक्सिस, यहाँ पे हमने टेम्परेचर लिया, ये यहाँ पे इनिशियल टेम्परेचर आएगा, फिर हम कम करेंगे, आई विल बी गोइंग टुवर्ड्स द ओरिजिन, क्योंकि फ्रीजिंग करना है, फ्रीजिंग मतलब टेम्परेचर कम करना है, इसके लिए पहला टेम्परेचर यहाँ का लिया है, कोई बहुत बड़ा टेम्परेचर नहीं है, मैंने सिर्फ स्केल बड़ा किया है ग्राफ को थोड़ा मैग्निफाई करने के लिए, नहीं तो ग्राफ बहुत छोटा हुआ है। तो यहाँ पे हम लोग लेंगे वेपर प्रेशर, है ना, तो वेपर प्रेशर ये यहाँ पे इनिशियल, जब ये टेम्परेचर है तो ये वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट जाएगा, क्योंकि पहला ग्राफ हम सॉल्वेंट के लिए करेंगे, इसका फिर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन यहाँ पे आया मान लो, और इसको जब हम ठंडा करेंगे तो ये भी कम होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शन, वेपर प्रेशर एंड टेम्परेचर आर डायरेक्टली प्रोपोर्शन, तो ये ग्राफ ऐसे आएगा और फिर डिसकंटिन्यू होगा, ये क्यों हुआ मैं आपको समझा चुका हूँ, करेक्ट, टेम्परेचर कम करेंगे पूरा सॉलिडिफाई करके उल्टाएंगे, दिस शुड बी द पॉइंट जहाँ पे पहला पार्टिकल सॉलिडिफाई हुआ है, इधर से अगर हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तो आपको क्या मिलेगा, ये टेम्परेचर, लेकिन कौन सा टेम्परेचर, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट, जहाँ पे
इसके पहले ये क्या था, प्योर सॉल्वेंट लिक्विड फेज में था, पॉइंट ए से लेके बी तक, करेक्ट ना। उसका फिजिकल स्टेट क्या है, लिक्विड। यहाँ पे पहला पार्टिकल सॉलिडिफाई हुआ तो कर्व बी सी पे वही सॉल्वेंट जो है प्योर सॉल्वेंट, उसका फिजिकल स्टेट क्या है, सॉलिड। यहाँ से सॉलिडिफिकेशन शुरू हो चुका है, करेक्ट ना। ऐसे वेपर प्रेशर गिरते गिरते यहाँ पे आर यू गेटिंग इट, तो ये हो गया। अब क्या करेंगे, सोल्यूशन, सोल्यूशन का इनिशियल टेम्परेचर ऑलमोस्ट यहीं पे रहेगा, वेपर प्रेशर नीचे रहेगा पी, एंड यू नो दैट पी वन नॉट इज ग्रेटर देन पी, पी छोटा होता है ना, क्योंकि सोल्यूट सॉलिड है। तो यहाँ से सोल्यूशन का वेपर प्रेशर शुरू हो गया, तो उसका पॉइंट यहाँ शुरू होगा, लेट्स से पॉइंट डी, और ये कब आएगा है ना, सोल्यूशन अभी लिक्विड है, पॉइंट डी को सोल्यूशन का फिजिकल स्टेट क्या है, लिक्विड है, अभी भी लिक्विड है, लिक्विड है, लिक्विड है, लिक्विड है, लिक्विड है, लिक्विड है। यहाँ पे ये पॉइंट ई को उसका पहला पार्टिकल सॉलिडिफाई हुआ, मतलब इसको भी आगे जाके पीछे लेके आएंगे तब समझाओगे, नहीं आगे इसका डिसकंटिन्यू कर्व निकालने की जरूरत नहीं, अपने को इसका फ्रीजिंग पॉइंट मिला, दिस इज फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। याद रखना ये जो पॉइंट है, यहाँ पे जो सॉल्यूशन है वो लिक्विड है, उसके अंदर का सॉल्यूट सॉलिड है और सॉल्वेंट लिक्विड है, इसके लिए सॉल्यूशन लिक्विड है, ये पॉइंट। सॉल्यूशन अभी भी लिक्विड रहेगा क्योंकि उसके अंदर का सॉल्वेंट लिक्विड है, सॉल्यूट तो सॉलिड है, ये पॉइंट। यहाँ पे सॉल्यूट तो सॉलिड था ही, अब सॉल्वेंट भी सॉलिड हो गया क्योंकि ये पॉइंट कर्व बीसी पे है, मतलब उसके अंदर का सॉल्वेंट भी क्या हो गया, सॉलिडिफाइड। तो इसके लिए सॉलिडिफिकेशन यहाँ से शुरू होगा, तो ये फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन है। हम पॉजिटिव साइड ऑफ एक्स एक्सिस पे है, मतलब ये बड़ा है, पी एफ नॉट इज ग्रेटर देन पी एफ, हेंस प्रूव्ड ग्राफिकली। ओके, ये जो ग्राफ पे आप देख सकते हैं, कैन यू सी दैट, मैं इसको थोड़ा डार्क करता हूं, ये जो गैप है, व्हाट इज दिस गैप, दिस इज एक्चुअली डेल्टा पी, और ये जो गैप है, ये व्हाट इज दिस डेल्टा पी एफ, एंड दे आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इजंट इट, करेक्ट ना। आप जितना ज्यादा सॉल्यूट ऐड करेंगे उतना पी नीचे आएगा, लोअरिंग एंड वेपर प्रेशर पड़ेगा, पी नीचे आया, करेक्ट ना, तो डी और नीचे आया, डी और नीचे आया तो ये पॉइंट और आगे जाएगा, मतलब ये टूवर्ड्स द ओरिजिन जाएगा, मतलब ये गैप भी बढ़ेगा। तो जैसे ही ये गैप बढ़ता है वैसे ये गैप भी बढ़ेगा, तो डेल्टा पी और डेल्टा टी एफ क्या हो गया, डायरेक्टली प्रोपोर्शन, दोनों कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज है, दोनों नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल पे डिपेंड करते हैं। सॉल्यूट सॉलिड है इसके लिए वेपर प्रेशर में लोअरिंग आता है, और वेपर प्रेशर में लोअरिंग है इसके लिए फ्रीजिंग पॉइंट में डिप्रेशन आता है, इट इज अ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट का डेफिनेशन देख लेते हैं। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट इज डिफाइंड एज द डिफरेंस बिटवीन फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट एंड फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, ये इसका डेफिनेशन है, समझ में आता है। अब इसके अलावा और एक इंपॉर्टेंट चीज है, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलैरिटी, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलैरिटी, करेक्ट और नॉट। मोलैरिटी क्यों, मोलैरिटी क्यों नहीं, ये मैं लास्ट लेक्चर में भी बता चुका हूं, जो डेल्टा टीबी का है वही इसका है, दो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल नहीं आएगा, और मोलैरिटी आएगा, यहाँ पे मोलैरिटी नहीं आएगा, ये थियोरेटिकल फॉर्मूला है। तो यहाँ पे मुझे अगर प्रोपोर्शनलिटी साइन हटा के इक्वल टू साइन लाना है ना, तो आई हैव टू इंट्रोड्यूस अ कांस्टेंट हियर, एंड द कांस्टेंट इज के एफ है ना, इनटू मोलैरिटी, ऐसे के एफ, व्हाट इज के एफ है ना, इसके बारे में भी बताता हूँ, इट इज क्रायोस्कोपिक कॉन्स्टेंट। के बी क्या था, इब्यूलोस्कोपिक कॉन्स्टेंट, इब्यूला मतलब बॉइलिंग, तो ये क्या है, क्रायोस्कोपिक कॉन्स्टेंट, इसके बारे में मैं एंड में आपको इन्फॉर्मेशन लिख के देता हूँ, ये ऐसा है। अब ये ना, ये कई बार फॉर्मूला ऐसे भी लिखते हैं, जैसे बॉइलिंग पॉइंट में था डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू आई इंटू के एफ इंटू मोलैरिटी, वेर आई मीन्स वेंट ऑफ फैक्टर, वेंट ऑफ फैक्टर क्या होता है, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑब्जर्व अपॉन थियोरेटिकल, ये थियोरेटिकल है ना, ये पूरा थियोरेटिकल है, दिस इज थियोरेटिकल, करेक्ट और नॉट, ये थियोरेटिकल है, तो ये क्या हो जाएगा, ऑब्जर्व है ना, सो थियोरेटिकल नीचे आएगा यहाँ पे, ये डेल्टा क्यू थियोरेटिकल, ऑब्जर्व अपॉन थियोरेटिकल इज आएगा, तो ये भी फॉर्मूला यूज करते हैं, लेकिन फिलहाल हम लोग ये डेल्टा क्यू थियोरेटिकल देख रहे हैं, के एफ तो मोलैरिटी, समझ में आ रहा है। अब मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या है, व्हाट इज मोलैरिटी, इट इज मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट इनटू मास ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम्स रहेगा तो 1000 है। तो ये अगर इक्वेशन वन है और इक्वेशन टू है, इसको उठा के इसमें डालता हूं, तो डेल्टा टी एफ थियोरेटिकल वाला जो है क्या हो जाएगा, के एफ
है ना, kF into molarity, k molarity मतलब ये सब कुछ है, W2 into 1000 upon molar mass of the solute into W1, तो ये formula हो गया, जिसने और एक बार मतलब तीसरी बार ये prove हो गया कि colligative properties are inversely proportional to the molar mass of the solute. Molar mass of the solute पता करने के लिए ये सब कुछ हम लोग करते हैं. This is very important. You need to understand this. अब मैं kF के बारे में आपको information देता हूँ क्या होता है. Okay, let us see what is kF. सबसे पहला point जो है, इसके दो नाम है. Famously it is called as cryoscopic constant. It is famously called as cryoscopic constant. और इसका और एक नाम आएगा, that is molar depression इन फ्रीजिंग पॉइंट कॉन्स्टेंट. मोलर डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट कॉन्स्टेंट, ये इसके दो नाम है. ये नाम ऐसा क्यों आया है, है ना, इस फॉर्मूला से. ये जो फॉर्मूला है डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू के एफ इन टू मोलैरिटी, जिसकी वजह से के एफ क्या हो जाता है, व्हाट इज के एफ, यू सी इट इज डेल्टा टी एफ अपॉन एम. नाउ व्हाट इज एम, मोलैरिटी. सो इट इज मोलर डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट कॉन्स्टेंट, राइट. मोलर डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट कॉन्स्टेंट, that is a formula based name. This is a famous name, this is formula based name. Secondly, units of kf are kb ka jaisa hai waise hi hai, kelvin kg per mole. You see ye jo hai wo kelvin mein aayega, and molarity kya hota hai, it is moles per kg. to kg upar jayega ki nahi, denominator ka denominator upar jata hai, to kelvin multiplied by kg upon mole, aisa iska unit aayega. और तीसरी बात जो kb पे भी था, kb इज सॉल्वेंट डिपेंडेंट, ये सॉल्वेंट पे डिपेंड करता है. जब तक आप सॉल्वेंट वही रखेंगे, अलग अलग सॉल्यूशन बना रहे हैं सॉल्यूट चेंज करके, लेकिन सॉल्वेंट जब तक वही रखेंगे kf वही आता रहता है. दिस इज सॉल्वेंट डिपेंडेंट, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन एज फार एज kf इज कंसर्न. एंट्रेंस एग्जाम से रिलेटेड एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला आपको देता हूं. Cryoscopic constant is R into TF naught the whole square upon 1000 into LF. यानी R का वैल्यू अगर 2 कैलोरीज पर केल्विन पर मोल लेते हैं तो 2 by 1000 हो जाता है 0.002. बाकी सब कुछ वही सही है. Where what is KF? It is cryoscopic constant. उसका यूनिट केल्विन kg पर मोल है. LF is latent heat of freezing, should be calories per gram. क्योंकि R हम लोग कैलोरीज में ले रहे हैं. यूनिवर्सल गैस कॉन्स्टेंट, 2 कैलोरीज पर केल्विन पर मोल. ये फॉर्मूला सही है कि नहीं चेक करते हैं LHS और RHS के यूनिट्स चेक करके. KF है ना, LHS जो है उसका यूनिट KF का क्या आता है, केल्विन केजी पर मोल, है ना. राइट हैंड साइड का यूनिट्स देखते हैं, R का यूनिट्स है कैलोरीज पर केल्विन पर मोल मल्टीप्लाइड बाय TF नॉट का यूनिट्स आएगा केल्विन स्क्वायर, टेम्परेचर है स्क्वायर अपॉन LF, यू नो 1000 है फॉर्मूला का. LF लेटेंट हीट का है कैलोरीज पर ग्राम. ऐसा तो क्या क्या कैंसिल हो रहा है, ये केल्विन जाएगा इसमें से, एक जाएगा एक बचेगा, कैलोरी जाएगा. अब 1000 डिवाइडेड बाय ग्राम मतलब किलोग्राम है, क्योंकि ये 1000 यहाँ पे लिख सकता हूँ मैं. और ग्राम डिवाइडेड बाय 1000 मतलब केजी होता है जो ऊपर जाएगा, समझता है. सो ऑब्वियसली किलोग्राम ऊपर जाएगा तो क्या क्या बचा, इधर एक केल्विन बचा है, ये और ये मिला के हो गया केजी, और नीचे यहाँ पे है मोल पर मोल, करेक्ट ना. तो ये और ये सेम हो गया, यूनिट सेम है, मतलब फॉर्मूला परफेक्ट. डू यू अंडरस्टैंड दिस. तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, तो डोंट फॉरगेट टू प्रेस द लाइक बटन एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल. थैंक यू.